जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीची मोर्चे बांधणी जामनेर तालुक्यात जोमाने सुरू झाली असून यासाठी आज जामनेर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे भव्य अल्पसंख्याक मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते। या मेळाव्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अल्पसंख्याक सेलचे प्रदेश अध्यक्ष गफ्फार मलिक यांनी मार्गदर्शन केले, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते संजय गरुड, जिल्हाध्यक्ष मजार खान, शहराध्यक्ष जावेद मुल्लाजी यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। शिवाजी महाराज और अफजल खान के जो जंग हुई वो धर्म युद्ध नहीं था, वो सत्ता युद्ध था। लोग धर्म युद्ध की बात करते हो, सत्ता युद्ध था। मैं फख्र से कहूंगा कि शिवाजी महाराज के साथ कौन था और अफजल खान के साथ कौन था। दादा भास्कर आणि अफजल खान के साथ में शिवाजी महाराज के साथ में सैयद शिवाजी महाराज के साथ में काजी हैदर और उनके साथ में भास्कर सयाजी कुलकर्णी ऐसा कुछ बनता। और जब ये युद्ध हुआ दोनों का तो पंजा किसने बनाया था? शिवाजी महाराज को पंजा देने का काम किसने किया? रुस्तम जमा मुसलमान था, उसने पंजा दिया। शिवाजी महाराज ने अफजल खान को नीचे गिराया। उसमें वहां माँ जीजाऊ आती है, कहती है कि शिवबा जब तक ये जिंदा था तेरा दुश्मन था, अब मर गया अब वो तेरा दुश्मन नहीं, इसका अंतिम संस्कार इसके धर्म प्रमाण और उसके हमारे धर्म के हमारे मजहब के प्रमाण प्रतापगढ़ के किले के नीचे अफजल खान को दफन किया गया और मकबरा बनाया गया, ये तारीख है। और बाद में फिर उनके लड़के रोने लगे, जेल में थे, फिर शिवाजी महाराज को माँ जीजाओं ने आदेश किया, वो बच्चे छोटे रोने उनको छोड़ दे। ये जेल में गए, वहाँ से बच्चों को बोले दो दिन के अंदर उनके जितने हार जो कुछ भी थे लौत मात चांदी के दागिने वगैरह ये सही दो सरदार कुछ देकर और आगरा छोड़े। दोस्तों ये इतिहास है, आगरा की जेल से किसने छुड़ाया? महाराज की जगह कौन सोया? मदारी बेहतर मुसलमान था। ये तारीख है। बहरहाल ये तारीख को ध्यान में रख के हमको आगे बढ़ना है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम हमारा को कोई दबाने को देखेगा। हम बाय चॉइस हिंदुस्तान में रुके, जिनको पाकिस्तान में जाना था दादा वो गए, तुम्हारे बाप दादाओं पर अल्लाह के करम से अल्लाह के भरोसे पे और तुम्हारे बाप दादाओं पर भरोसा रख के हमारे बाप दादा इस हिंदुस्तान में रुके। इस हिंदुस्तान में की आज़ादी में हमारे लाखों लोग शहीद हुए थे, इसलिए हमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। कुर्बानी तुम्हारी हमारी, जो आज सत्ता में बैठे हैं इनकी क्या कुर्बानी? इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं, इन्होंने तो वो ज़माने में मुखबरी की देश के लिए, इनके बाप दादाओं ने हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी की। 48,500 उलमा शहीद हुए ले 1857 के गदर में। दोस्तों इधर शहीद भगत सिंह थे तो उधर अशफाक उल्ला थे, इधर गांधी जी थे इधर शरद गांधी जी थे, इधर नेहरू जी थे इधर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, इधर शास्त्री जी थे इधर अपने जवाहरलाल अपने मोहम्मद अली जौहर थे। ये सब इतिहास है, ये इतिहास को हमको भूलना नहीं पड़ेगा। और हमारे जो हम वतन भाई हमारे बड़े भाई हैं, इनके कंधे से कंधा मिलाकर हमको चलना पड़ेगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की हुकूमत हमको महाराष्ट्र में लाना पड़ेगी। हमको किसी से कोई लेना देना नहीं, हमको सरकार सेकुलर लोगों की आना चाहिए। हम ये भी मानते हैं कि महाराष्ट्र के तख्त पे भी कोई भी हिंदू बैठेगा, मुसलमान बैठने वाला नहीं, भड़काएंगे। हिंदू मुसलमान की बात, हमको हिंदू वो चाहिए हमारे संजय दादा गरुड़ जैसे, जो खुद का धर्म भी मानते हैं दूसरे के धर्म का भी एहतराम करते हैं। दूसरे के धर्म कैंडिडेट रहेगा, हम आप लोगों से वादा करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं।
परसों मीटिंग हुई इसकी, मैंने रिक्वेस्ट होगी तो उन्होंने बोले 5% आगे आज रखे भी तो कुलकर्णी अहो म्हटलं तुम्ही काय असं आहार गेला तसा तर गेला. म्हटलं मराठी भाषा सोपी मराठीत सांगा. ग्रामीण भागाचे तुम्ही होतेच मला वाटतं, ग्रामीण भागाचे लोकांना हे समजणार नाही. म्हटलं चलो म्हणे आम्ही असा मॅनिफेस्टो तयार केला होतो. अपना जब आया मुजाहिर साहब तो बोलते हैं गरीब मागासलेले मुसलमानासाठी 5% आरक्षण. म्हटलं कुलकर्णी साहेब आम्हाला फक्त म्हणे तुमचं काय म्हणणं आहे. म्हटलं आम्हाला जास्तने 3च पाहिजे. म्हणे काय? शिक्षण, आरक्षण, संरक्षण, एज्युकेशन, रिझर्वेशन, प्रोटेक्शन, 3 चीज चाहिए, चौथी नहीं चाहिए. दोस्तों ये तीनों चीज हमारे लिए काम. शिक्षण रहेगा तुम्हारे हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे. क्वालिटी को कोई मात नहीं दे सकता. क्वालिटी आज हमारे पास क्वालिटी नहीं है पर दादा गौंडी भी हमारे मिलेगा, पेंटर भी हमारा मिलेगा, प्लम्बर भी हमारा मिलेगा और मंगार वाला भी हमारा मिलेगा. और गारंटी मुन्ना से लेके अरे वो तो हम भी है ना खाई फिकर मुन्ना से लेके मोटरसाइकिल से स्कूटर से रिक्शा से मेटाडोर से बड़ी ट्रक हेवी ट्रक पानी का जहाज हवाई जहाज हेलीकॉप्टर का रिपेयर यार हमारा मिलेगा. और रद्दी दूसरी बात यह है कि हम जो बिगड़ी हुई चीज को सुधारते हैं. जो लोग बाय जाती चीजों फेंक देते उसको खरीद के रिसाइकलिंग करते फिर वो लोखंड हो, प्लास्टिक हो, रद्दी हो, पुट्टा हो, काला आइल हो, ये काम हम करते. नेशन का बाय जाने वाला माल उसको बचाकर हम हमारा पेट भरते हैं, हलाल रोजी से पेट भरते हैं, हराम रोजी से नहीं. किसके आगे हाथ नहीं फैलाते. तो ये जो बातें हैं हमारी बीच में डीवाई पाटिल अपनी उनके यहाँ फॉरेन के लोग आए सर, हेलीकॉप्टर लेकर आए, उन्होंने नाश्ता पानी करे क्या करे बाहर निकले. तो वो बाहर निकले, बाहर निकल कर जब देखे तो हेलीकॉप्टर स्टार्ट क्यों. डीवाई पाटिल के लड़के ने फोन किया एक अमीन करके अपना मैकेनिक था, बोले अमीन वो ये इनका साहब का हेलीकॉप्टर बिगड़ गया. बोले फॉरेन के लोग. तो बोले साहब मैंने दादा अभी तक हेलीकॉप्टर अंदर से देखे सुबह क्या सुधर. बोले तू आ जब आया देखा उसने तो बोले मैं तो ये पहली टाइम देख रहा अंदर से. अब बोले देख तो सही कुछ क्या बिगड़ा. उसने जब इंजन का वो कवर हटा के देखा अरे तो टर्बो बोले हो जाए. 10 मिनट में उसने हेलीकॉप्टर सुधार के दिया. ये दिमाग अल्लाह रब्बुल इज्जत. पर हम ये चाहते हैं कि जैसे ये लोग हमारे लिए आधी रात करते हैं इसीलिए हमको भी इनका साथ देना पड़ेगा. चाहे कुछ भी हो जाए डरने की क्या करने की कोई जरूरत नहीं. पर शोर और शराबा एक तो एकदम चलो चलो चलो, चलो लाइन लगाए चाहे आराम से लाइन लगाओ. नहीं तो वो क्या करते हैं कि व्हाट्सअप करते मुसलमानांची किती लाइन आहे बघा मग तुम्ही या. पर उनकी भाषा एक अलग रहती. ओहो बघा भाऊ ते कसं करताय कसे रांगे तुम्ही आपले कुठे. वो उनके लोगों को इस तरीके से भड़काते तो आपको अपने आराम से फजर की नमाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करके अपने कुछ बुजुर्ग फिर रुक जाओ फिर माँ बहने फिर रुक जाओ फिर जवान फिर ऐसे करते करते 6-7 बजे तक बुकिंग करो इकट्ठे मत. ये आपसे गुजारिश करता हूँ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जैसा हमारे लोकसभा में इत्तेहाद इत्तेफाक रहा अभी आने वाले विधानसभा में भी इत्तेहाद इत्तेफाक रहे और हम सेकुलर ताकतों के लिए जान की बाजी लगाकर ऐसे सेकुलर ताकतों को चुन के देंगे. अल्लाह से ये दुआ करो और लामा इकबाल के 4 मिसरों में मेरी बात को खत्म करता हूँ. अल्लाह जी लाल कर दो आप जो भी हो क्योंकि हम खुददार और गयूर को हमसे ताल्लुक़ रखते हैं. हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देने वाला बना के भेजा, देने वाला नहीं बना के भेजा. अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि गुलामी में ना काम आती है शमशीर ना तदबीर है. गुलामी में ना काम आती है शमशीर ना तदबीर है. जो हो जौके यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें.
कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है। आज यहाँ पर जमा हुए सभी हजरात से का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि छोटी सी मीटिंग के अंदर आप इतनी बड़ी तादाद में हाजिर हुए और हाजी साहब को सुने और संजू दादा को सुने। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये मीटिंग खत्म हुए तो चाहिए था। रावत जो है ये जावेद मुल्ला जी और उनके साथीदार संजू दादा था, इनके साथीदारों को मुबारकबाद देना चाहिए। मैं तो एक 15 मिनट के लिए आया था, 50 लोग भी होंगे तो बहुत है, पर 250-300 लोग जब थे। ये आने वाले विधानसभा इलेक्शन में हमको क्या करना है और कैसा करना है इसके लिए मेड़ा हुआ था। वो तो अभी आगे जो भी आएगा आएगा, पर हमने इस बात को हमारे दिमाग में रखा कि अभी से हम लोगों को उजागर करने का काम करें, इसलिए हम यहाँ आए थे जामनेर से अभी पहुर जाएंगे, पहुर से सिंदूर नहीं जाएंगे, वहाँ भी ये लोगों के सामने वही बात रखेंगे जो यहाँ रखें। और आगे हम कोशिश ये हमारी रहेगी कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में आए, ये हम इसके लिए प्रयत्नशील पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।